नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। राजेश खन्ना सही मायने में भारतीय फिल्म उद्योग के पहले सुपरस्टार थे। उनके बालों का स्टाइल हो या गुरु कॉलर वाली शर्ट पहनने का तरीका हो या पलकों को हल्के से झुकाकर गर्दन टेढ़ी कर निगाहों के तीर छोड़ने की अदा, उन्होंने सिनेमा प्रेमियों की पूरी एक पीढ़ी को सम्मोहित कर रखा था। राजेश खन्ना पर बहुचर्चित किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं, बंगाल की एक बुजुर्ग महिला थी, उनसे मैंने पूछा कि राजेश खन्ना क्या थे आपके लिए। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझेंगे, जब हम उनकी फिल्में देखने जाते थे तो हमारी और उनकी बकायदा डेट हुआ करती थी। हम मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जाकर अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे और हमें लगता था कि वो जो पर्दे की तरफ से पलके झपका रहे हैं या सिर झटक रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉल में बैठी हर लड़की को ऐसा ही महसूस होता था। जिस मास हिस्टीरिया की लोग बात करते हैं, उसके अनगिनत किस्से मुझे सुनने को मिले कि कैसे उनकी सफेद गाड़ी लड़कियों के लिपस्टिक के रंग से गुलाबी हो जाती थी और कैसे उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरती थीं। ये सुने सुनाए नहीं बल्कि रियल किस्से हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 1965 में राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर प्रतिभा खोज अभियान में बाजी मारी थी। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यासिर उस्मान बताते हैं, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स में बीआर चोपड़ा, जीपी सिप्पी और शक्ति सामंत जैसे निर्देशक हुआ करते थे। ये सब मिलकर कुछ अच्छे अभिनेता ढूंढने का काम कर रहे थे। इसमें काफी लोग चुने गए थे, जैसे विनोद मेहरा, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। राजेश खन्ना से पूछा गया कि आप क्या सुना सकते हो, तो उनका थिएटर का एक मशहूर डायलॉग था, वो उन्होंने सुना दिया और अंततः उनका चुनाव हो गया। जीपी सिप्पी साहब ने सबसे पहले उन्हें एक फिल्म दी राज, जिसमें उनका डबल रोल था। इसके बाद उन्होंने चेतन आनंद की आखिरी खत साइन की, लेकिन आखिरी खत पहले रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो अहंकारी थे और सेट पर हमेशा लेट आते थे। मैंने लोगों से पूछा कि क्या ये राज के वक्त से ही था, तो पता चला कि शुरू से ही ऐसा था। जब पहले दिन इनकी शूटिंग थी तो इन्हें सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन ये आदत के मुताबिक 11 बजे पहुंचे। सब लोग देख रहे थे कि ये तो नया लड़का है, उनका पहला सूट है, ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ लोगों ने उन्हें घूर कर देखा, थोड़ी डांट भी लगाई सीनियर टेक्नीशियंस ने। इन्होंने कहा, देखिए एक्टिंग और कैरियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलूंगा। तो सब खामोश हो गए। इस तेवर के साथ दो ही चीजें होती हैं, या तो आदमी बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे। जिस फिल्म ने राजेश खन्ना को राष्ट्रीय पहचान दी वो थी आराधना। यूं तो ये फिल्म बनाई गई थी शर्मिला टैगोर के लिए, लेकिन इसने लॉन्च किया राजेश खन्ना को। बॉलीवुड न्यूज सर्विस के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश रहेजा बताते हैं, मुझे अभी तक याद है कि मेरा बड़ा भाई गोपाल अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मेरे सपनों की रानी गाना इतनी जोर से बजाया करता था कि सामने की बिल्डिंग में रहने वाली उस लड़की को साफ सुनाई देता था। इस गीत को राजेश खन्ना पर एक खुली जीप में फिल्माया गया था, जो एक ट्रेन के साथ साथ चल रही है। इसकी शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसे शर्मिला टैगोर के बिना शूट किया गया था।
बाद में उनके पजामे को स्टूडियो में सूट करके एडिटिंग टेबल पर फिल्म के दूसरे फुटेज के साथ मिला दिया गया। यासिर उस्मान बताते हैं, इस फिल्म में राजेश खन्ना का छोटा सा रोल था। वो शर्मिला टैगोर के पति बने थे, जिनकी शुरुआत में ही मौत हो जाती है। धीरे धीरे फिल्म शेप लेती गई और कहानी आगे बढ़ती है। इसमें फिर ये तय हुआ कि बेटे का रोल भी राजेश खन्ना को ही दे दिया जाए। पहले कहानी का सेंट्रल रोल तो माँ का था, लेकिन जब फिल्म पूरी हुई तो राजेश खन्ना का डबल रोल हो चुका था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसका इस तरह प्रमोशन किया गया कि वो शर्मिला टैगोर की मदर इंडिया है। लेकिन अजीब सा करिश्मा हुआ कि जब लोग ट्रायल शो देखकर बाहर निकले तो लोगों ने शर्मिला टैगोर के बजाय पूछना शुरू कर दिया कि वो लड़का कहाँ है। राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं शो शुरू होने से पहले सबको नमस्ते कर रहा था, हाय कर रहा था, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे रहा था। शो के बाद वो मुझे ढूंढते हुए आए, मैं होटल चला गया था। उसके बाद मुझे होटल से बुलाया गया कि आइए, आपकी पूछ हो रही है। इसके बाद जो हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, 13-14 लगातार हिट फिल्में, जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। उस्मान बताते हैं कि वो मास हिस्टीरिया इस सेंस में था कि उस जमाने में ना तो कोई सोशल मीडिया था और ना ही टीवी चैनल। अचानक एक लड़का आया और पूरी फिल्मी दुनिया पर छा गया। उनकी हर फिल्म जुबली हिट और ब्लॉकबस्टर हो रही थी। एक थिएटर रॉक्सी में आराधना चल रही थी और उसके सामने ओपेरा हाउस में दो रास्ते चल रही थी। लोग आराधना से निकलकर दो रास्ते देखने जा रहे थे। ये अजीब सी चीज हो रही थी कि जितने भी बड़े थिएटर थे उनमें 6-7 महीने से सिर्फ राजेश खन्ना की ही फिल्में चल रही थी। इसके बाद 4 वर्षों तक राजेश खन्ना एक नेशनल ऑब्सेशन बन गए। मशहूर फिल्म कहानीकार सलीम खान बताते हैं कि किसी फिल्म अभिनेता के प्रति ऐसी दीवानगी उन्होंने पहले ना तब देखी थी ना उसके बाद कभी। सलीम कहते हैं, वो अब तक के सबसे बड़े स्टार हैं। सलमान, शाहरुख या राजेंद्र कुमार, जितने भी स्टार आए वो उनकी लोकप्रियता को कभी छू नहीं पाए। राजेश खन्ना का 69 से लेकर 75 तक का जो समय था, उसकी तुलना नदी में लगे खंभे से की जा सकती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ तक पानी आया था। राजेश खन्ना की लोकप्रियता जहाँ तक गई थी वहाँ तक किसी की नहीं गई। कारण ये था कि लोग उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे और उनकी मुस्कान लड़कियों को बहुत आकर्षित करती थी। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनकी फिल्मों को संगीत भी बहुत अच्छा मिला था। यासिर उस्मान बताते हैं कि 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता नवीन निश्चल ने उन्हें बताया था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों के साथ काम किया है, दोनों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उस वक्त अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया था, शोले और दीवार आ गई थी। एक शादी की पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्टार पहुंचे हुए थे, राजेंद्र कुमार थे, धर्मेंद्र और राज कपूर भी थे। अचानक राजेश खन्ना की एंट्री हुई, ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मीडिया के सारे कैमरे उनकी तरफ घूम गए। उस शादी में करीब 400-500 लोग मौजूद थे और सब के सब राजेश खन्ना के पीछे चल रहे थे। मैं सालों साल फिल्म इंडस्ट्री में रहा, लेकिन इस तरह का जादू मैंने सिर्फ उनके साथ देखा। यूं तो राजेश खन्ना पर लाखों लड़कियां मरा करती थीं, लेकिन उनकी सबसे नज़दीकी दोस्त थी अंजू महेंद्रू। यासिर उस्मान बताते हैं, अंजू उनकी जिंदगी में तब से थी जब से वो स्ट्रगलर थे, उन्होंने उनका बड़ा साथ दिया। अंजू भी स्ट्रगल कर रही थी फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के लिए। जब वो स्टार बन गए तो अंजू महेंद्रू के घर जाया करते थे और बाहर खड़ी उनकी गाड़ी को स्कूल की लड़कियां घेर कर खड़ी हो जाती थी। राजेश खन्ना की कामयाबी के साथ साथ अंजू से उनके रिश्तों में भी बदलाव आया। वो बहुत बड़े स्टार बन गए, कहीं ना कहीं वो चाहते थे
कि अंजू भी उस स्टारडम को महसूस करे। अंजू कहती थी कि मेरे लिए तो वो वही जतिन थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनसे सुपरस्टार की तरह बर्ताव करूं, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसके अलावा उन्हें तारीफ करने वाले लोगों की जरूरत थी और वो उन्हीं लोगों से घिरे रहना पसंद करते थे। मुझे उनके बारे में जो गलत लगता था वो उन्हें बताती थी, जैसा कि मैं पहले उन्हें बताया करती थी। कामयाबी मिलने के साथ वो अंजू को कम वक्त देने लगे और दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। यासिर बताते हैं, कुछ दिनों बाद राजेश खन्ना की जिंदगी में डिंपल की एंट्री हुई। वो उम्र में बहुत छोटी थी। 3-4 दिनों के अंदर ही उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अंजू को बहुत बाद में पता चला। जब राजेश खन्ना की बारात बांद्रा से जुहू जा रही थी तो उन्होंने उसका रास्ता बदला और वो उसे अंजू महेंद्रू के घर के सामने से लेकर गए। शायद राजेश खन्ना के चरित्र में ये चीज हमेशा से थी कि बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। ये अलग बात है कि बाद में उनकी अंजू महेंद्रू से दोस्ती हो गई थी। दुनिया का हर अच्छा सिलसिला हमेशा के लिए वैसा नहीं रहता। राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा यह गया कि वो कामयाबी को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। यासिर उस्मान कहते हैं, नाकामी से ज्यादा कामयाबी ने लोगों को बर्बाद किया है। कामयाबी दोहरा नशा होता है। कामयाबी के साथ बहुत पैसा भी आता है। इसकी ज्यादती होती है तो लड़खड़ाकर गिर जाता है आदमी। मुश्किल काम होता है कामयाबी को हजम करना। राजेश खन्ना कहीं ना कहीं संतुलन नहीं बैठा पाए। वो साल में 10 फिल्में किया करते थे। उनका तर्क था कि मैं अपने प्रशंसकों को ज्यादा से ज्यादा नजर आऊं। उनमें अहंकार शुरू से था। जब कामयाबी आई तो वो और बढ़ता चला गया। एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सलीम खान उनके बहुत करीबी हुआ करते थे। हाथी मेरे साथी के जमाने से वो अक्सर उनके घर जाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार एक फिल्म मैगजीन ने संजीव कुमार पर कवर स्टोरी की। उसमें सलीम खान से पूछा गया कि एक अभिनेता के रूप में संजीव कुमार के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ कर दी। यह सब होने के बाद राजेश खन्ना बांद्रा में महबूब स्टूडियो में एक दिन शूटिंग कर रहे थे। जब उस स्टोरी पर उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने फौरन अपने ड्राइवर से कहा कि सलीम साहब को बुला कर लाइए। जब सलीम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजेश खन्ना अपनी इम्पोर्टेड गाड़ी के बोनट पर बैठकर वो मैगजीन पढ़ रहे थे। उन्होंने सलीम से पूछा कि ये आपने कहा है? उन्होंने कहा हाँ। राजेश ने फिर पूछा, तो आपको लगता है कि संजीव कुमार अच्छे एक्टर हैं? सलीम ने कहा जी हाँ। इस पर राजेश खन्ना ने पूछा और मैं? सलीम थोड़ा परेशान हो गए और बोले कि ये कहानी संजीव कुमार के बारे में थी। आपके बारे में भी अगर कोई स्टोरी करेगा और मुझसे पूछेगा तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। इसके बाद राजेश खन्ना ने मेरी तरफ देखा, मैगजीन बंद की और वहां से चले गए। अगले 6 महीने तक उनका कोई फोन मेरे पास नहीं आया। इसके बाद एंग्री यंग मैन की एंट्री के साथ रोमांटिक फिल्मों का युग पुराना लगने लगा। राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने उनके कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। यासिर उस्मान कहते हैं, ओवर एक्सपोजर भी कोई चीज होती है। दूसरे थोड़ा दौर भी बदल रहा था। लोग रोमांस से एक्शन की तरफ जा रहे थे। उसी जमाने में जंजीर आ गई, फिर शोले और फिर दीवार आ गई। इस तरह गुस्से वाले कैरेक्टर खड़े होने लगे। राजेश खन्ना का यूएसपी गुस्सा नहीं था, वो मूल रूप से रोमांटिक स्टार थे। उन्होंने 80 के दशक में कुछ एक्शन फिल्में भी की, लेकिन उनमें वो कभी स्वाभाविक नहीं लगे। अचानक फिल्मों का ट्रेंड बदला और वे डिप्रेशन में आ गए। फिल्म नमक हराम से इसकी शुरुआत हुई। जब नमक हराम साइन की गई थी तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन उतने बड़े स्टार नहीं थे। वो जंजीर की शूटिंग कर रहे थे, वो अभी रिलीज नहीं हुई थी। अभिनेता सचिन ने मुझे बताया कि मैं मुंबई के एक थिएटर में नमक हराम देख रहा था। अचानक क्लाइमैक्स से पहले अमिताभ बच्चन बस्ती में जाते हैं और चीख कर बोलते हैं,
उसे सुनकर ऐसा शोर हुआ थिएटर में जो आराधना के समय राजेश खन्ना के साथ हुआ था। उस्मान आगे बताते हैं, मुंबई की बाल काटने वालों की दुकान पहले ऐसे होता था कि दिलीप कुमार कट और देवानंद कट के बोर्ड लगा करते थे। मुंबई बार्बर एसोसिएशन ने एक नया बोर्ड बनवाया जिसमें दो नई एंट्रीज की गई, जिसमें लिखा था राजेश खन्ना हेयर कट ₹2 और अमिताभ बच्चन हेयर कट ₹3.5। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने फिल्म सौतन में कमबैक किया और एक बार लगा कि पुराने राजेश खन्ना वापस आ रहे हैं। उस फिल्म के निर्देशक सावन कुमार टाक बताते हैं कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजेश खन्ना का टीना मुनीम से रोमांस शुरू हुआ था और डिंपल कपाड़िया उनके जीवन से बाहर चली गई थी। सावन कुमार कहते हैं, डिंपल मॉरिसस आई थी जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि राजेश टीना मुनीम के बहुत नजदीक जा रहे हैं, तो वो वापस मुंबई चली गई। एक दिन राजेश खन्ना शूटिंग से वापस आए तो वो उन्हें डिम्पी डिम्पी कहकर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें डिम्पल कहीं नहीं मिली। मैंने कहा, काका आपने एक चीज नोटिस नहीं की, ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर क्या लिखा है? उन्होंने पूछा, क्या? उस पर लिखा था, आई लव यू गुड बाय। बाद में पता चला कि डिम्पल जहाज से वापस मुंबई चली गई थी। मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात का भी राजेश खन्ना पर कोई असर नहीं हुआ और वो पहले की तरह टीना मुनीम के साथ शूटिंग करते रहे। उसके बाद डिम्पल उनके घर आशीर्वाद में कभी नहीं लौटी। अपने जीवन के आखिरी चरण में राजेश खन्ना बहुत एकाकी हो गए थे। उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया। उनके करीबी लोग अंत तक उनका मनोबल बढ़ाते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन राजेश खन्ना ने टूटती हुई आवाज में कहा, टाइम अप हो गया, पैक अप। यासिर उस्मान कहते हैं, टैक्स प्रॉब्लम के चलते इनकम टैक्स विभाग ने उनका बंगला सील कर दिया था, इसीलिए वो अपने ऑफिस में रहते थे। उनके बगल में एक मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट हुआ करता था। वो वहां जाते थे, एक बर्गर खाते थे और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिया करते थे, जो उनका बहुत फेवरेट होता था। कई शाम वो अकेले ड्राइव करके वहां जाते थे। वो इंतजार करते थे कि कोई आए, उन्हें पहचान ले। ऐसा कभी कभी होता था कि कोई पुराना फैन आकर उन्हें पहचान लेता था तो वे बहुत खुश हो जाया करते थे। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।